जापान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है। अक्सर लोग इस छोटे से देश को और इसकी ताकत और कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जापान दुनिया का दूसरा सबसे डेवलप्ड देश है। और ये छोटा सा एक हमारे राजस्थान स्टेट के बराबर आकार का देश साल भर में जितनी संपत्ति जनरेट करता है उतना हमारा पूरा देश भी नहीं कर सकता। और इसीलिए जापान GDP में दूसरे नंबर पर आता है आफ्टर USA एंड चाइना। यहाँ के लोगों को हर चीज को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज करना आता है, और जहाँ USA जैसे देश हर चीज को एक कदम आगे से सोचते हैं, जापान में लोग उसी चीज को चार कदम आगे से सोचते हैं। और यही रीजन है कि जापानीज टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस्ड, सबसे एफिशिएंट और सबसे ज्यादा मार्केटेड टेक्नोलॉजी है। 30-35 साल पहले जब जापानीज इकोनॉमी को धक्का लगा तो उस इकोनॉमी को बचाने के लिए जापानीज लोगों ने ऐसे नए आइडियाज निकाले कि आज वहां जो भी जाता है उसे लगता है कि मानो किसी ने उसे एक टाइम मशीन में बैठा दिया हो और वो हजार साल आगे पहुंच गया हो। और फ्रेंड्स, इस बात का मैं जीता जागता प्रूफ हूँ। जब मैं जापान गया था तो मैंने इस देश में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी फैसिलिटीज और ऐसी चीजें देखी जिनकी मैंने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ सकती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे अपना वही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा और आपको बताऊंगा जापान के बारे में 10 ऐसी माइंड ब्लोइंग बातें जिससे साबित होता है कि जापानीज लोग 2019 में नहीं रहते बल्कि 3019 में रहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, वेंडिंग मशीन्स। अब फ्रेंड्स, आपने स्कूल या ऑफिस में, रेलवे स्टेशन्स या एयरपोर्ट्स में वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन जहां हमारे शहरों में बस कुछ चंद जगहों पर ही वेंडिंग मशीन्स पाए जाते हैं, वहीं जापान में आपको हर 200 से 300 मीटर की दूरी पे एक वेंडिंग मशीन जरूर मिलेगा। पूरे देश में 5.5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स है, जिसका मतलब कि वहां के हर 25 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन है। लेकिन आखिर ये लोग इतना चिप्स और चॉकलेट कैसे खा लेते हैं? आखिर वेंडिंग मशीन्स में तो यही सब मिलता है ना? वेल, नॉट इन जापान। जापान की वेंडिंग मशीन से आप कुछ भी खरीद सकते हो। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। चिप्स, चॉकलेट और सोडा तो बहुत ही आम चीज है। यहाँ की वेंडिंग मशीन सब्जी, दूध, अंडे, अंडरवेयर, फ्लावर्स, बर्गर्स, अम्ब्रेलास और यहाँ तक की पपीज भी बेचती है। नंबर 9, कैप्स्यूल होटल्स। जापान दुनिया का इकलौता देश है जहाँ कैप्स्यूल होटल्स का ट्रेंड है। कैप्स्यूल होटल्स असल में बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटे होटल्स होते हैं जहाँ रूम स्पॉट्स की तरह होते हैं और एक के ऊपर एक स्टैक किए हुए होते हैं। आपका रूम बस इतना बड़ा होता है कि आप उसमें लेट सके और बिना छत से टकराए बैठ सके। और इन छोटे रूम्स या पॉड्स में आपकी जरूरत की हर चीज अवेलेबल होती है। चार्जिंग पोर्ट, बेड, पिलो, सामान टांगने के लिए हुक्स, एक छोटा सा शेल्फ और एक लाइट। बाथरूम और टॉयलेट कम्युनल होते हैं लेकिन बहुत ही साफ सुथरे। ये होटल्स आमतौर पर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स के आसपास बनाए जाते हैं ताकि अगर किसी कारणवश आपको रात में किसी अनजान शहर में रुकना पड़ जाए तो आप इन्हीं होटल्स में आराम से रुक सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद गूगल जरूर करना और बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि क्या ये कैप्सूल होटल्स एकदम किसी साईफाई मूवी के सीन जैसे नहीं लगते। नंबर 8, होटल विथ रोबोट स्टाफ। सो फ्रेंड्स, जब मैं टोक्यो में था तो मैंने इस होटल की बहुत चर्चा सुनी। अब मैं तो इन्फॉर्मेशन का भूखा हूँ और इसीलिए बैग उठाया और चल पड़ा टोक्यो के द हेना होटल की तरफ, विच ट्रांसलेट्स टू द वियर होटल। इस होटल के स्टाफ में केवल 10 लोग ही इंसान हैं और बाकी सभी रोबोट्स। ये दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहाँ के स्टाफ में सिर्फ रोबोट्स है और जो इंसान है वो भी सिर्फ इन रोबोट्स की ही देखभाल के लिए है। रिसेप्शनिस्ट से लेकर वेटर तक, यहाँ तक की साफ सफाई वाले, होटल अटेंडेंट्स भी सभी रोबोट्स है। अब क्या हुआ नहीं ये 3019 का नजारा। नंबर 7, जापानीज टॉयलेट्स। जापानीज टॉयलेट्स अनडाउटेडली दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हाईटेक टॉयलेट्स होते हैं। ये टॉयलेट सिर्फ आपकी सुसु बॉडी का ही ध्यान नहीं रखते बल्कि आपकी हर दूसरी जरूरत के अनुसार डिजाइंड है। आपको टॉयलेट यूज करना है मगर आप अपने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते, नो प्रॉब्लम। यहाँ के हर टॉयलेट में दीवार से अटैच्ड बेबी चेयर होती है जिसमें आप अपने बच्चे को बैठा के आराम से टॉयलेट कर सकते हैं। लूज मोशंस, नो प्रॉब्लम। इन टॉयलेट्स में बटन्स होते हैं जिन्हें दबा के आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं ताकि कोई बाहरी इंसान आपके पेट से निकलते डायरिया की आवाज न सुन सके। कई टॉयलेट्स में ऑटोमेटिक सिस्टम्स होता है जो आपके टॉयलेट यूज करने के बाद टॉयलेट में खुशबू फैला देता है। ये टॉयलेट्स बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं और फ्लश टैंक के ऊपर ही हाथ धोने वाला सिंक अटैच्ड होता है ताकि जो पानी आप हाथ धोने के लिए यूज करते हैं वही पानी रिसाइकल होके फ्लश में भी यूज हो जाएगा।
अब इसे कहते हैं फ्यूचर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, राइट फ्रेंड्स। नंबर 6, ग्रोसरी स्टोर्स एंड शॉपिंग मॉल्स। जापानीज लोग बाय नेचर बहुत ही ऑनेस्ट और मॉरल होते हैं, और इसी कारण यहाँ की कई ग्रोसरी स्टोर्स में कोई इंसान ही नहीं होता। ये ग्रोसरी स्टोर्स एकदम खाली होते हैं, यहाँ आपको सिर्फ ग्रोसरी ही दिखाई पड़ेगी। आपको जो चाहिए आप लीजिए और पैसा काउंटर पे रखे जार में डाल दीजिए। वियर्ड राइट? और आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ सीसीटीवी कैमरास तो जरूर होते होंगे, तो वेल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इतने सच्चे और ट्रस्टवर्दी होते हैं, वे चोरी करते ही नहीं। इसके अलावा यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स और शॉपिंग मॉल्स में आपको कई विचित्र नजारे दिखाई पड़ेंगे। स्क्वायर शेप्ड फ्रूट्स ताकि आप उन्हें फ्रिज में आसानी से रख सके, च्यूइंग गम्स जिसके अंदर आपको पेपर भी मिलता है ताकि आप गम को उसमें थूक के फेंक सके, बियर कैंस जिसमें ऊपर ब्रेल में अल्कोहलिक लिखा होता है ताकि ब्लाइंड लोगों को फर्क करने में प्रॉब्लम ना हो, रेफ्रिजरेटेड लॉकर्स ताकि आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग उसमें रख सके और शॉपिंग कंटिन्यू कर सके, एंड और भी बहुत कुछ जो बताते बताते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। नंबर 5, स्मार्ट ब्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस देश में टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स और शॉप्स में ही नहीं बल्कि कपड़ों में भी पाई जाती है। ये स्मार्ट ब्रा जिसका नाम है द ट्रू लव टेस्टर, ऐसी टेक्नोलॉजी से इन्फ्यूज्ड है कि जो औरत इसको पहनती है उस औरत की फीलिंग्स ये ब्रा हर पल मॉनिटर कर पाती है, और ब्लूटूथ के जरिए उसके स्मार्टफोन में ये इन्फॉर्मेशन फीड करती रहती है। इन इमोशंस की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके वो एप्लीकेशन सेंसर्स को बताता है कि क्या लड़की चाहती है कि सामने वाला उसकी ब्रा खोले या नहीं। अगर लड़की इंटरेस्टेड है तो आदमी लकी है, और ब्रा और अगर नहीं तो सॉरी माय फ्रेंड, आज तुम्हारा लक खराब है। आप भी अगर जापान जाए तो अपनी गर्लफ्रेंड को ये बार जरूर गिफ्ट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं अपनी प्यार की ताकत। नंबर 4, जापानीज रेस्टोरेंट्स। शायद पूरी दुनिया में जापान के ही रेस्टोरेंट्स होंगे जहां आपका खाना बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसा कि पोस्टर्स में दिखता है। मैं आज तक जहां भी गया हूं वहां मैं एटलीस्ट एक बार जरूर डिसअपॉइंट हुआ हूं, क्योंकि जैसे आपको पता है पोस्टर्स में जो दिखता है वो असल में मिलता नहीं, लेकिन जापान में मुझे एक भी बार ऐसा फील नहीं हुआ। जितनी ऊंची कॉफी की टॉपिंग स्टारबक्स के पोस्टर्स में बनी थी उतनी ही ज्यादा टॉपिंग मुझे असल में भी मिली। इनफैक्ट यहाँ के कई रेस्टोरेंट्स में मेन्यू तो मिलता ही है, मगर शोकेसेस में उस मेन्यू की हर डिश का एक फेक प्लास्टिक मॉडल भी बना होता है जो आप देख सकते हो, और वो हूबहू उस रियल लाइफ डिश की ही तरह दिखेगा, और इसे देखने के बाद आप बिल्कुल उसे ऑर्डर कर सकते हो। फन राइट? एंड फ्रेंड्स, एक और चीज, अगर आप जापान में अपने प्रेमी के साथ डेट पे जा रहे हो तो आपको मिंट रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में टूथपिक्स की टिप पर मिंट लगा होता है ताकि आप अपने दांतों से खाना निकालने के साथ साथ अपने मुंह को भी फ्रेश कर लो। नंबर 2, ग्लो इन द डार्क टैटूज। और फ्रेंड्स, ये चीज तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मैं हमेशा से एक टैटू बनवाना चाहता था, लेकिन पहले मम्मी पापा मना करते थे, और अब लगता है कि अगर बनवा लिया तो दीपिका पादुकोण वाली हालत ना हो जाए। लेकिन दिस टैटू वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये टैटू चिप्स के पैकेट में आने वाले बच्चों वाले ग्लो इन द डार्क टैटूज जैसे नहीं होते, ये ग्लो इन द डार्क टैटूज परमानेंट होते हैं। और इन टैटूज को बनाने के लिए जो इंक यूज की होती है उसमें स्पेशल अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज होती है जिससे कि अंधेरे में ये टैटूज ग्लो करते हैं, और इनमें भी कई सारी वैरायटीज होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टैटू सिर्फ अंधेरे में दिखे तो आप वो बनवा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो नॉर्मली भी दिखे तो आप वो भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी मॉम डैड की डर के वजह से टैटू नहीं बना पा रहा, बुक अ टिकट टू जापान एंड जाओ झीलो अपनी जिंदगी। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट। जापान की बुलेट ट्रेन्स तो पूरी दुनिया में फेमस है ही, लेकिन यहाँ की इन बुलेट ट्रेन्स की सिर्फ स्पीड ही माइंड ब्लोइंग नहीं है, टोक्यो की यूरिका मोम लाइन की ट्रेन्स में कोई ड्राइवर्स ही नहीं होता, और ये ट्रेन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। इसके अलावा इन ट्रेन्स में कई एडिशनल फैसिलिटीज जैसे कि सेक्लूडेड स्मोकिंग एरियाज, बेबी चेयर्स और फुट बैथ्स तक होते हैं ताकि आप अपने सुहाने सफर को और सुहाना बना सके। इनफैक्ट फ्रेंड्स, टोक्यो में स्थित चीबा अर्बन मोनोरेल सिस्टम में एक ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसका ट्रैक हवा में है और ट्रेन उल्टी लटकी हुई चलती है। ये दुनिया की एक इकलौती सस्पेंडेड उल्टी लटक के चलने वाली ट्रेन है, और शायद फ्रेंड्स इससे फ्यूचरिस्टिक चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपके हिसाब से है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना। और ये क्रेजीनेस सिर्फ रेलवे लाइंस तक ही खत्म नहीं होती, रोड्स पर भी डायगनल ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स होती हैं ताकि लोग स्ट्रीट को डायगनली क्रॉस कर सके। डायगनल ज़ेब्रा क्रॉसिंग, कहाँ देखा है आपने ऐसा कुछ? एंड व्हाट अबाउट डेकोरेटेड मैनहोल्स, ये कहाँ देखा है आपने? फ्रेंड्स, जापान एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन ये इस कहावत का जीता जागता एग्जाम्पल है कि कभी भी किसी चीज को उसके लुक्स से जज नहीं करते।
और अब मेरे एम्बिशियस दोस्तों, अगर आपको बिजनेस के लिए स्टार्टअप आइडियाज चाहिए तो बुक करिए अपनी जापान की टिकट और यहाँ भी बनाइए यार हमारे छातों के लिए पार्किंग लॉट्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। फ्रेंड्स, हम फिर लौटेंगे एक और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नो नॉट जापान, जय हिंद।